तो वेरी वेरी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल द थिंग टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को मैं अपना वो तरीका दिखाने वाला हूँ, वो फॉर्मेट बताने वाला हूँ जिससे मैं अपनी बाइक को मॉडिफाई करता हूँ और जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं अपनी बाइक को किसी भी मॉडिफिकेशन के लिए तैयार करता हूँ। दोस्तों, एक्चुअली मेरी आज थोड़ी तबीयत खराब है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मेरा ये लोगो बनके तैयार हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। बस अब इसकी पेंसिलिंग जो वो हम मिटा देंगे। मैंने इसके लिए ब्लैक स्केच चला दिया, ओके, और ये बीच में कट टाइप का मैंने इसमें बना दिया। आप देख सकते हैं ये ए है, ये टी है और ये थ्री है, मतलब ऑल द थिंग टैक ए टी थ्री। देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह का मेरा लोगो बनके तैयार हुआ। तो दोस्तों, ये तो था वीडियो मेरे चैनल के लोगो का जिसे मैंने अपने हाथ से बनाया है, ओके। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो फॉर्मेट जिसके अकॉर्डिंग मैं अपनी बाइक की सीट को मॉडिफाई करने वाला हूँ, और वो फॉर्मेट दिखाता हूँ जिसे मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है। तो इसके लिए दोस्तों, एक्चुअली मैंने एक ड्रॉइंग भी बनाई है, देख सकते हैं आप लोग। ये कुछ ये देखें ना, ये बैक पैनल है और ये साइड के पैनल है, ये फ्यूल टैंक है और ये मेरा बनाया हुआ फ्लैप कवर है, ठीक उसी तरीके से ये भी है, ओके, देख सकते हैं। मैं ड्राइंग कर रहा था। अगर हम इसको बिल्कुल साइड लुक से देखेंगे तो कुछ इस तरह का लुक अपने को दिखाई देगा, और थोड़ी सी ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने को ये दिखाई देगा, ओके। तो जैसा कि आपको पता है, मैं अपनी फ्रंट सीट से थोड़ा सा इसमें से फोम काट के इसका साइज थोड़ा सा डाउन करने वाला हूँ, जिससे ये इस शेप में आएगा, और पीछे वाली सीट को थोड़ा सा फोम लगा करके कुछ इस शेप में दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग क्या डिज़ाइन बनाया मैंने, है ना, कुछ इस शेप में मैं इसका डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो पता नहीं दोस्तों, मुझे ये आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ड्राइंग में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे देखते हैं इसको करके क्या होता है क्या नहीं होता, ओके। तो दोस्तों, इस बार मैंने इसको थोड़ा सा स्केच भी ब्लैक स्केच से थोड़ा सा डार्क कर दिया है, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कैसा लगेगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ओके, तभी मैं इस पर वीडियो लाऊंगा, ओके। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखाने वाला हूँ, सिर्फ आप इसको गौर कर सकते हैं। ये देखिए, मैं कुछ इस तरह का लुक देने वाला हूँ। ये आपने कई स्पोर्ट बाइकों में देखा होगा, थोड़ा सा अंदर की साइड से, हालांकि अपनी पल्सर 180 की बाइक में ये बिल्कुल सीधा होता है,
मैं इसमें थोड़ा सा इस तरीके का कट देने की सोच रहा हूँ। और वहीं इसकी ये जो हाइट है, फ्रंट सीट की जो हाइट है, इसको लगभग हाफ इंच डाउन करने वाला हूँ, जिससे इसका लुक ऐसे डाउन आएगा दोस्तों नीचे की तरफ। ओके, और ये इस तरीके से हो जाएगा, ये डाउन लगेगा। और वहीं इस पर मैं थोड़ा सा फोम ऐड करके थोड़ा सा ऊँचा करूँगा इसको दोस्तों। इसलिए सबसे पहले मैं इसकी ड्राइंग बना के देख रहा था कि इस तरीके से अगर मैं करता हूँ तो मेरी बाइक का लुक किस तरह से आएगा। आप देख सकते हैं मैंने पूरी ड्राइंग तो नहीं बनाई है। ये बैक पैनल है, ये अपना ग्रैब रेल है, ये साइड पैनल है, ये फ्यूल टैंक है, और ये जो मैंने टैंक पेड बनाया है ये वो है। ओके, ठीक उसी तरीके से ये बिल्कुल, अगर आप साइड से, साइड पोजीशन से देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये मैं थोड़ा सा सही से नहीं बना पाया, मतलब जो क्रिएटिविटी मैंने इसमें की है वो मैं इसमें नहीं कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने दिखाने की कोशिश की है, तो उससे ज़्यादा बेटर आपको इसमें समझ में आएगा। आप देख सकते हैं। ओके, तो देखते हैं ये वीडियो भी कब तक तैयार होती है और कब तक कंप्लीट होती है, लेकिन करूँगा ज़रूर मैं इस चीज़ को भी 100% आप लोगों को करके दिखाऊँगा। ओके, थोड़ा सा टाइम लग सकता है दोस्तों, टाइम एक्चुअली मेरे पास होता नहीं है। जो मैंने स्प्लिट सीट को इंस्टॉल किया है तो मेरी सीट थोड़ी सी यहाँ से फट भी गई है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसके लगे हाथ थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर दूँ जिससे लुक और अच्छा हो जाए। तो मैं इसको थोड़ा सा डाउन करने वाला हूँ, ये जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है ये बीच में थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, और इसमें मैं थोड़ा सा फोम ऐड करने वाला हूँ और इस तरह से डिज़ाइन देने वाला हूँ। ये देख सकते हैं, है ना, ये थोड़ा सा बाहर की साइड आएगा, इस वाले को देख सकते हैं साइड एंगल से, थोड़ा सा फ्रंट सीट पर आगे की तरफ आएगा। ओके, नोक से निकलेगी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस लुक से। ये देखिए, है ना, ये थोड़ा सा, ये आपने स्पोर्ट बाइक में देखा होगा, आरसी केटीएम में देखा होगा, अपाची में देखा होगा, अपाची 200 में देखा होगा, और आरसी केटीएम में भी देखा होगा। और दोस्तों मेरा ये जो तरीका है अपनी बाइक की सीट को मॉडिफाई करने का, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसका स्पोर्टी लुक में इसको वो करने, मॉडिफाई करने वाला हूँ, स्पोर्टी लुक बाइक का देने वाला हूँ, तो ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों चलिए अब मैं इसको अपने इस लोगो को कलर कर लेता हूँ। ओके, इस लोगो के ड्राइंग को मैंने थोड़ा सा मोबाइल की हेल्प से एडिट किया हुआ है, और उसके बाद जो इसका ये लुक आया हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो आप लोग। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएं।
तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम और नमस्कार।